हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एयर कूलर वाटर पंप को कैसे अगले सीजन के लिए रेडी करके रखना है यह देखेंगे। जैसे कि अभी गर्मी का सीजन चला गया है और बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें हमको एयर कूलर जो वाटर पंप है उसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। कहीं कहीं जरूरत पड़ती होगी, जो जहां बारिश ज्यादा हो रही है वहां जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि इसको कैसे हमको क्लीन करके रखना पड़ेगा, जो कि इसकी आगे जब गर्मी आएगी, समर सीजन आएगा, तो उसमें ये प्रॉब्लम न करे और हमको नया लेना न पड़े। तो उसके लिए हमको पहले इसको खोल लेना है, ये जो फिल्टर होके जाता पानी, इधर से इसको खोल लेना है। ये देखिए, ये इसके अंदर डस्ट जमी हुई है, इसको क्लीन कर लेना है। और फिर इसके बाद ये इधर भी डस्ट है, ये सब क्लीन करके हमको रखना है और इसको खोल के बाहर निकाल लेना, रोटर वगैरह, शाफ्ट वगैरह इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर पानी की हार्डनेस इसके ऊपर जम गई है, यानी कि जहां पानी के अंदर आयरन ज्यादा होगा तो आयरन इसके ऊपर जम जाएगा, ताकि जब आगे ले सीजन में हम चलाएंगे इसको तो जाम होके अंदर, यानी कि काम नहीं करेगा पंप। और हार्डनेस अगर नमकीन पानी है कहीं, तो इसके ऊपर हार्डनेस मतलब नमक सूख के जम जाता है, तो वो भी इसको घूमने नहीं देगा और शाफ्ट को अंदर में चिपका देगा। उससे क्या होगा, अगर हम इसको ज्यादा ताकत लगाएंगे तो इधर से ये रोटर जो है, ये रोटर मैग्नेटिंग रोटर होता है, ये यहाँ से टूट जाता है। तो उसके लिए हम जैसे ही हमारा सीजन ऑफ होता है उस टाइम पे, यानी कि गर्मी जाती है उस टाइम, इसको क्लीन करके हमको रख लेना। ये देखिए, इसके ऊपर यहाँ के पानी में, हमारे जो पानी है उसमें आयरन ज्यादा है, आयरन की मात्रा, तो इसलिए इस पर आयरन जम गया है। और ऐसे इसके अंदर भी कचरा है। खैर, ये तो अभी हमने धोया था, फिर भी इसमें कुछ कचरा है, वो साफ हमको कर लेना है। सबसे पहले हम शाफ्ट को साफ कर लेंगे, इसको एमरी पेपर से हम क्लीन कर सकते हैं, तो इसको अभी क्लीन कर लेते हैं हम फाइल के हेल्प से। अगर आपके पास फाइल है वो भी, उससे भी इसको क्लीन किया जा सकता है, तो इसको अभी क्लीन कर देते हैं। ये फ्रेंड्स, हमने इसको फाइल मार करके एकदम क्लीन कर लिया शाफ्ट को। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इसको रिपेयर कैसे करते हैं। हमने एक वेल्डिंग रोड की शाफ्ट बना के, एसएस की वेल्डिंग रोड ली थी, उसकी शाफ्ट बना के डाली थी। ये देखिए, अभी तक ये एकदम सही है, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ी हल्की सी घिसी है, तो ये अगला सीजन एकदम सही काम करेगी। उसके बाद हम जैसे ये शाफ्ट घिस जाएगी, उसके बाद हम फिर 3 mm की वेल्डिंग रोड से एसएस की जो वेल्डिंग रोड होती है उसको डाल के इसको फिर से रिपेयर कर लेंगे। और ये जो रोटर है, ये जो इसके अंदर ये मूवमेंट है, ये कई रोटरों में होती है और बहुत सारे रोटरों में नहीं भी होती। जिसमें है उसमें क्या होता है, टॉर्क के लिए होता है, स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि जब रोटर घूमे, यानी कि पानी में डूबा रहता है, तो उस टाइम ये जाम होता है। और उसमें क्या होगा, जब हम पावर देंगे तो एक बार रोटर फ्री घूमेगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आरपीएम पे आने के लिए, और फिर ये घूमेगा, यहाँ के लॉक हो जाता है, एक साइड इधर लॉक रहता है इसमें और बाकी फ्री रहता है। और कईयों में डायरेक्ट लगाया रहता है, जिसमें टॉर्क वो थोड़ा हैवी पंप रहता है, उसके अंदर ये डायरेक्ट लगा रहता है इसके साथ। और इसको अगर हम जाम कर देंगे तो कई बार क्या होगा कि पानी अगर हमारा ज्यादा गंदा है तो ये पानी को उठाएगा नहीं, यानी कि मोटर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, इसलिए ये थोड़ा मूवमेंट होता है इसके अंदर, ताकि एक राउंड मारे रोटर पावर देने के बाद, और फिर ये फैन, ये जो एम्पेलर इसका घूमने लगे। बाकी इसके अंदर हमको कपड़ा डाल के साफ कर लेना है,
ये कपड़े से हमको इसको साफ कर लेना है। डस्ट वगैरह सारी क्लीन कर लेते हैं इसको। ये हमने इसको भी क्लीन कर लिया है और ये भी हमारा क्लीन है अभी। और ये जो रोटर होता है उसको भी हमको क्लीन कर लेना है। और जब आपके पास अगर जो ये एमरी पेपर या फाइल नहीं है तो हम नाइफ की हेल्प से, ये नाइफ है इसकी हेल्प से इसको जो सॉफ्ट है इस रोटर की वो क्लीन कर सकते हैं आसानी से। ये उसके ऊपर जो स्किल जमा रहता है, हार्डनेस होता है पानी का, वो आराम से उतर जाएगा, साफ हो जाएगा उससे। एकदम इजी प्रोसेस है इसका। ऐसे हम इसको क्लीन करके रख सकते हैं। और अदरवाइज इसको कूलर में छोड़ दे तो ठीक है, अगर कूलर में नहीं छोड़ना चाहे तो इसको रूम के अंदर खोल करके रख लीजिए, ज्यादा जगह भी नहीं घेरेगा और सेफ रहेगा ये। अब हम इसको फिटिंग कर लेते हैं दोबारा। ये इधर अब हमारा अगले सीजन के लिए चलने के लिए रेडी है। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसकी शाफ्ट कैसे रिपेयर किया जाता है पंप को, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हमने पहले से एक वीडियो बनाई है चैनल पे, उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।